हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए हैंड वैक्सिंग का डेमो वीडियो लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पर लाबेला की वाइट चॉकलेट वैक्स करूँगी जो आपकी टैनिंग और हेयर अच्छे से रिमूव करेगा। वैक्सिंग करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करें, उसमें किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर या ऑयल नहीं होना चाहिए। आप वीडियोज़ में देख सकते हो कि इनके हाथों में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है और हाथों में टैन हो रखा है। इस वैक्स को करने से इनके हाथों का टैन और ग्रोथ अच्छे से रिमूव होगी। सबसे पहले मैं इनके हाथ में बहुत अच्छे से टैल्क लगाऊंगी। वैक्सिंग करते समय सबसे पहले हम इनकी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में वैक्स लगाएंगे। मैं वैक्स को ऊपर से नीचे की ओर लगाऊंगी और वैक्स स्ट्रिप्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगी, जिससे इनके बाल बहुत अच्छे से निकलेंगे। वैक्स को आप छोटे छोटे पैचेस में ही लगाएं, पूरे हाथ में एक साथ ना लगाएं। इससे आपके बाल टूट सकते हैं और आपको पेन हो सकता है। मुझे बार बार ही कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आते हैं कि वैक्स करने से हेयर ग्रोथ बढ़ती है, हाथ काले होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सिंग करने से आपकी हेयर ग्रोथ कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और हाथों का टैन काफ़ी हद तक कम होता है। वैक्सिंग करते समय अगर आप हेयर ग्रोथ का ध्यान रखोगे तो आपकी ग्रोथ जल्दी नहीं आएगी और आपके बाल भी नहीं टूटेंगे वैक्स करते समय। आप वीडियोस में देख सकते हो कि इनके हाथों की कितने अच्छे से वैक्स हो पा रही है। एल्बो पर भी आप वैक्स का यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैन होता है जो कि अच्छे से रिमूव होगा वैक्स करने के बाद। अगर फिंगर्स पे भी हेयर ग्रोथ हो तो वहाँ पे भी इस तरह से वैक्स करें, जिससे आपके बाल अच्छे से रिमूव होंगे। आप दोनों हाथों में फर्क देख सकते हो वीडियो में। मैं दूसरे हाथ में भी सेम मेथड यूज़ करूँगी वैक्स करने का, आप भी उसी तरह से करें। मेरे चैनल में और भी वैक्सिंग के वीडियोस हैं जो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं वैक्स करते समय सुमो कंपनी की वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैक्स करते समय ये फटती नहीं है।
वैक्स कंप्लीट करने के बाद मैं इनके दोनों हाथों को गीले टॉवल से अच्छे से क्लीन करूंगी और इसके बाद मैं क्रीम से इनके हाथों में मसाज करूंगी। आप यहाँ पर टोनर का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके हाथों में किसी भी तरह के छोटे छोटे दाने आ रखे हो या स्किन रेड हो गई हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।